हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं टेक्निकल फिक्स चैनल और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से अपने मैकबुक में या कोई भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसमें किस तरह से लाइव वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पर मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस सॉफ्टवेयर का लिंक दूंगा। आपने इस छोटे से सॉफ्टवेयर को अपने मैकबुक में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप डाउनलोड फोल्डर में जाएं और इस सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल करना है। ये एक छोटा सॉफ्टवेयर है, आपने यहाँ से अब डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल करना है। बैकग्राउंड के नाम से ये ऐप आएगी, आपने इसे ओपन करना है और इसके बाद आपने एक मरतबा ओपन बटन पर क्लिक करना है तो ये ऐप आपके मैकबुक में ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऐप है वो ऊपर नज़र आ रही है आपको, ये ओपन हो चुकी है। इसके बाद आप दोबारा ब्राउज़र में जाएं और यहाँ पर आपने कोई भी लाइव वॉलपेपर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कैटेगरी आपको पसंद है तो आप उसे डाउनलोड करके लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से आपने पिज़्ज़ा भी वेबसाइट को ओपन करना है, जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ से इमेजेस सेलेक्ट होंगी तो आपने यहाँ से वीडियो को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ से वीडियो को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप जिस कैटेगरी की भी लाइव वॉलपेपर डाउनलोड करना चाहते हैं आप यहाँ पर वो लिखें। जैसे कि मैं रैंडम कोई भी एक बर्ड्स कैटेगरी टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स की वीडियो जो लाइव वॉलपेपर की सूरत में आपके सामने आ जाएंगी। आपको यहाँ पर हर कैटेगरी में हज़ारों के हिसाब से लाइव वॉलपेपर मिल जाएंगे जिन्हें आप डाउनलोड करके अपने मैकबुक में उन्हें सेट कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा कोई और कैटेगरी भी देखना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बर्ड्स के अलावा वाटर को सर्च करता हूँ, सॉरी यहाँ से वाटर टाइप करता हूँ, तो जैसे कि जैसे मैं इस कैटेगरी को ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हज़ारों के हिसाब से हमें लाइव वॉलपेपर मिल जाएंगे जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। आप इन्हें अपने मैकबुक में लगाएंगे तो एक बहुत ही अच्छी लुक नज़र आएगी। जैसे कि मैं इन वॉलपेपर को ओपन करता हूं, आप इन्हें पहले ओपन करके चेक भी कर सकते हैं कि ये वॉलपेपर दिखने में किस तरह है। जैसे कि मैं एक और वॉलपेपर ओपन कर लेता हूं, फिर आपको प्ले करके दिखाता हूं कि ये वॉलपेपर किस तरह हमारे मैकबुक में नज़र आएंगे। जैसे कि ये वॉलपेपर ओपन हो गया है, आप यहाँ से इस वीडियो को प्ले करके इस वॉलपेपर को देख सकते हैं कि ये जो वाटरफॉल का वॉलपेपर है ये किस तरह नज़र आता है। आप दूसरे वॉलपेपर को भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये एक रेन वॉलपेपर है नेचर कैटेगरी में, तो आप इन्हें भी इसे भी देख सकते हैं। आप कोई भी वॉलपेपर जो आपको पसंद है वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं कोई और वॉलपेपर यहाँ से डाउनलोड करके उसे आपको लगा के चेक करवाता हूँ। जैसे कि मैं इस वॉलपेपर को यहाँ से ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आपने यहाँ से फ्री डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने इसे एक बेहतरीन क्वालिटी में आपने इसे डाउनलोड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे डाउनलोड लगा दिया है, यह डाउनलोड फाइल हो चुकी है। अब आपने दोबारा आपने ब्राउज़र को मिनिमाइज़ कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ से ब्राउज़र को अभी मिनिमाइज़ कर देता हूँ, आपने दोबारा ऊपर सॉफ्टवेयर में जाना है और आपने प्रेफरेंसेस को ओपन करना है। जैसे ही आप प्रेफरेंसेस को ओपन करेंगे तो यहाँ से आपने प्लस बटन पर क्लिक करना है, तो जैसे ही आप प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड फोल्डर में जाकर उस वीडियो को ओपन करें जो आपने डाउनलोड की थी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से इस वीडियो को ओपन किया है तो ये मेरे मैकबुक में सेट हो गया है लाइव वॉलपेपर। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन लुक नज़र आ रही है। आप इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के पिज़्ज़ा भी वेबसाइट से लाइव वॉलपेपर को डाउन कर सकते हैं, जैसे कि नेचर है, कार है, कार्टून वगैरह हैं, एनिमेशन वगैरह है, बहुत सारी जो कैटेगरी आपके जहन में आती है आपको उस कैटेगरी के यहाँ पर हज़ारों के हिसाब से वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। तो आप इस तरह से लाइव वॉलपेपर्स को अपने मैकबुक में बहुत आसानी से सेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।